बच्चों, ये हिंदी विषय का वर्कशीट नंबर 28 है कक्षा 9 के लिए 13 सितंबर की। इसमें है, प्यारे बच्चों, पिछली कार्य पत्रकों में आपने कबीर रचित कुछ साखियां और पद पढ़े। आइए आज के कार्य पत्रक के माध्यम से कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित यद द्वारा रचित वाक्यों में से कुछ वाक्यों पर चर्चा करते हैं। ये है वाक, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दो क्या उतराई, थल थल में बसता है सिभी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान। इसमें जो अपरिचित शब्द है वो है सुषुम सेतु। सुषुम सेतु का है हठ योग में विशिष्ट साधना पद्धति, हठ योग में, और माझी का मतलब है नाविक या नाव को खेने वाला, नाव चलाने वाला। और इसका जो शब्दार्थ वह है, इसका जो अर्थ है इस शाखा का, इसमें है कि इस वाक के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही है कि मैंने जीवन भर ईश्वर मिलन के लिए जिस मार्ग का चयन किया वह सही नहीं था। हठ योग में जीवन भर विशेष साधना करती रही और इसी में पूरा जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में मैं जब अपने जीवन भर की कर्मों की गणना की तो मेरे पास कोई भी सत्कर्म नहीं था जिसको दिखाकर मैं ईश्वर से इस भवसागर को पार करने की प्रार्थना कर सकती। इस वाक के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही है कि सृष्टि के कणकण में शिव अर्थात ईश्वर का वास है, इसलिए सभी मनुष्य को इस आधार पर भेद नहीं करना चाहिए कि वह हिंदू है या मुसलमान या किसी भी अन्य धर्म का अनुयायी। मनुष्य यदि वास्तव में ज्ञानी है तो वह आसानी से समझ जाएगा कि ईश्वर का वास उसके मन में भी है। अब इसमें कुछ यह आशा है आपने इन वाक्यों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन वाक्यों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। जैसे है, सेतु का क्या अर्थ है? सेतु का अर्थ पुल है, कोई खिलौना है, प्रार्थना है, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें सेतु का क्या अर्थ है? हठ योग विशिष्ट प्रार्थना हम इसे कह सकते हैं। इसमें सेतु का अर्थ है प्रार्थना से है। इसमें जो सेतु का अर्थ है ये प्रार्थना से है। यहाँ दिन में वैसे सेतु का मतलब पुल होता है। यहाँ दिन की तुलना किससे की गई है? दिन से, वर्ष से, जीवन से। यहाँ दिन की तुलना जीवन से की गई है। यहाँ कौड़ी किसका पड़ती है? पैसों का, रुपयों का, धन का। यहाँ कौड़ियां का है सत्कर्मों का प्रतीक है। अब इसमें दो क्वेश्चन है, थल थल में बसता है शिव ही पंक्ति में कवित्री क्या कहना चाहती? थल थल में बसता है शिव ही पंक्ति में कवित्री का क्या आशय है? उत्तर है, इस कविता से कवित्री का आशय है कि कण कण में शिव बसते हैं, अर्थात सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है। प्रश्न नंबर 5 है, स्वयं को जानने पर क्यों जोर दिया जा रहा है? उत्तर है, क्योंकि स्वयं को जानकर ही हम ईश्वर को पा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मन में है, कहीं बाहर नहीं है। तो ये थे आपका वर्कशीट नंबर 28 हिंदी विषय का 13 सितंबर का। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और अपने बहुत दोस्तों के साथ भी शेयर करें।